रिसोर्सेस में मैक्सिमम बिजनेस कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में अवेयरनेस का आज सेशन हमने रखा हुआ है। सो दिस इज द एडिशनल सेशन जो हम इस बार रख रहे हैं, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू एमएसईबी डिपार्टमेंट फॉर सपोर्टिंग अस एंड फॉर सपोर्टिंग अस टू ऑर्गेनाइज दिस सेशन टुडे। सो लेट्स हैव अ वेरी गुड सेशन विथ मिस्टर खैरनार सर एंड मनीष झा सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू रश्मि जी। सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन आई वॉन्ट सानिया एंड रीता टू प्लीज कंडक्ट अ इंटरेस्टिंग गेम बिकॉज वी आर वेटिंग फॉर सम मोर पार्टिसिपेंट। थोड़ा लाइवली हो जाए, थोड़ा गेम खेल ले, एक्टिव हो जाए, फिर ज्यादा ध्यान से हम लोग सुन पाएंगे। सो लेट्स हैव अ फन गेम। हेलो एवरीवन, जस्ट फॉर फ्यू मिनट्स वी विल हैव सम फन। हम लोग कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे आप लोगों से, और आप लोगों को आंसर एक दूसरे से डिस्कस किए बिना और वहां के वहीं पे आपको आंसर नहीं करना है, आपको हाथ ऊपर करना है, फिर हम लोग आपसे पूछेंगे तो आंसर तो आपको बताना है। इट्स जस्ट अ फन गेम, मजा आएगा आप लोगों को खेल के। और आंसर ऐसे बहुत ज्यादा ऐसे प्रिसाइज ऐसा ही रहना चाहिए, वैसा ही ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमारे जो आंसर से उससे आपका मैच होना चाहिए, जस्ट फॉर दैट रीजन। तो So एक everyone ready? ये माइक आवाज क्या नहीं आ रही है? नहीं आ रही है नहीं, दूसरा नहीं, ऐसे वहां पे खड़े रहने का कॉर्डलेस वाला कॉर्डलेस हां ले ले कॉर्डलेस सेकंड। आप लोगों का आंसर आता है तो आप जस्ट हाथ ऊपर कीजिए, नहीं फिर हम लोग पूछेंगे आपसे आंसर तो आप बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन, हरा आटा लाल पराठा मिलजुल कर सहेलियों ने बांटा। यस सॉरी नहीं, रॉन्ग आंसर। माय गॉड, यू विल एनी गेट गेसेस? 15-20 seconds और जस्ट हरा आटा लाल पराठा मिलजुल कर सहेलियों सहेलियों ने ने बांटा, बांटा। लेडीज में सबसे कॉमन है। यस तरबूज। नहीं थोड़ा एक और एग्जांपल दे दो ऐसे। नहीं, हमको तो लेडीज उन्होंने में दे दिया आंसर एक और में। हिंट, हर फेस्टिवल पे हमारा फेवरेट हिंट है। अरे ऐसे इट्स ऐसे नॉट, नहीं, मैंने हमने वो कहा था कि आप यू लोग हाथ डोंट हैव ऊपर टू करके आंसर। हम लोग पूछेंगे तब आप देना, क्योंकि प्राइजेस भी है इसको उसके छोड़ दो, लिए। इसको हाँ, इसको भी छोड़ना ही छोड़ पड़ेगा, लेकिन आप ध्यान रखिए कि आंसर एक को देना है, क्योंकि हम लोगों ने प्राइजेस भी रखे और आप लोगों को नहीं नहीं, इट इज नॉट फॉर यू टू गिव देम। देना। हाँ, माइक आवाज नहीं है। हेलो हेलो द सेकेंड क्वेश्चन इज नेम द शॉकिंग सिटी ऑफ द वर्ल्ड। सभी शांत करके आंसर एक कोई मजेदार आंसर देना। है इसका, तो आप लोगों को बताना है व्हाट इज द शॉकिंग सिटी ऑफ द वर्ल्ड। शॉकिंग और शॉकिंग शॉकिंग, शॉकिंग शॉक बैठता थोड़ा है सा वर्ड। आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहे हैं। इलेक्ट्रिक सिटी। यस, वेरी गुड। राइट जो ये करता थोड़ा अपना माइंड शार्प कर लीजिए। प्राइजेस है और सबके लिए, तो जो स्टेज पे है वो भी बोल सकते हैं ना, नॉट इसी मेंबर्स हाँ, अदर देन इसी मेंबर्स बट अवर गेस्ट ऑल्सो कैन आंसर। अरे सर लोग ही है। यस प्लीज। आपका नाम बताइए। चलो अभी उधर बैठे। वीरू आनंद। अच्छा, वीरू आनंद, आइए आप इधर बोलो। हाँ, यहाँ बोला। वीरू जी के लिए तालियां हो जाए। अरे नहीं, आप ही तो फटाफट अच्छा आप दे दो, रात में दे दो। जो प्राइस ये गेम जिन्होंने डिजाइन किया है वही प्राइस दे दो। थैंक अच्छा यू, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हाँ क्वेश्चन, बोलिए।
ऐसा कौन सा शहर है जो हम खा सकते हैं? शहर पिन ड्रॉप साइलेंस दिमाग के धागे दौड़ाओ। तो अच्छा दो तीन एक्सर नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक किसी तब को तक याद आप आया सोच था। सकते सोच हैं। सोच लीजिए आप। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पुरुष इसे बना तो सकते हैं पर इसमें जा नहीं सकते। वॉशरूम पे लेडीज मुझे पता है चलो आंसर पास है। पास, लेडीज लेडीज हाँ वही मतलब मैं जैसे लेडीज और उसका आंसर आप सोचिए, ऐसा कौन सा शहर है जो हम खा सकते हैं। जामनगर आ रही है। अरे हाथ तो उठा। नहीं हमें नहीं बोलना है ना, हाँ नहीं आप आपको नहीं, सिर्फ आप मत, हाथ ऊपर उठाना है उन्होंने फिर उठाया आंसर है है। आपको, बट जामनगर अच्छा हाँ नहीं, उन्होंने वो इनका सूत के बोल नहीं दिया। नहीं हमारे पहले को बोलो, अच्छा आंसर पहले ठीक है बोलो। आइए आप। नहीं तो अच्छा इसलिए मैं देने के ही बोल रही हूँ, दोनों आंसर हो जाएंगे एक्चुअली उसके। हमारा आंसर है पूरी। हाँ लेकिन जामनगर इज एटलीस्ट यू कैन कम। ऑल्सो पूरी राइट। हाँ एक तालियां हो जाए। और ये जो गिफ्ट्स आपको मिल रहे हैं वो बैक पे बहुत ही पर्सनलाइज पेंटिंग्स हमारी अंजलि मैम ने किए हुए हैं, अंजलि गुप्ता मैम ने। क्लैप फॉर और अंजलि मैम। नेक्स्ट यस फॉर द क्रिएटिविटी, थैंक यू सो मच अंजलि मैम। क्वेश्चन, व्हाट इज समथिंग यू कैन नेवर ईट फॉर ब्रेकफास्ट? लंच लंच या थोड़ा सा और आगे ना। हाँ यस करेक्ट वेरी करेक्ट, गुड। आइए प्लीज। तो ना उनको नहीं दे सकते। हाँ हाँ वही बेटर चाहता हाँ हूँ मैं, बेटर थोड़ा वही बहुत दे थोड़ा फास्ट इनका यहीं करता पे हूँ। दे। कांग्रेचुलेशन आंसर इज लंच एंड डिनर। यस। कांग्रेचुलेशन नेक्स्ट इज, व्हाट हैज अ हेड अ टेल बट डज नॉट हैव अ बॉडी? यस यस वेरी गुड। दे कौन ऐसा है व्हाट्स योर गुड नेम? अच्छा संजाने संजाली, हेलो मेरी कांग्रेचुलेशन। टैलेंट भी ले ली है ये तो। मुझे भी एक भी इसका सवाल के जवाब नहीं आ रहा वैसा ट्रिकी है ना, सबको है। आएंगे तो मजा नहीं आएगा, सबको नहीं आएंगे तो मजा आएगा थोड़ा बोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम इसे काटते हैं पीसते हैं और बांटते भी हैं बट खाते नहीं हैं। Yes, नहीं बाद में थोड़ा कर लो, थोड़े अभी कर लो, थोड़े बाद में बात। हाउ मेनी टाइम्स यू कैन सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम 100? हाउ मेनी टाइम्स आप कितने बार 100 में से 10 माइनस माइनस करो। कर सकते हैं? अभी कोई और कोई और? हमको आता है मगर यस ये सुनिए, yes. एक बार एक यू बार हमको एक बार चांस इनको देता पूछ रहे थे। हाँ बोलिए। नाइन रॉन्ग। टाइम ओनली वन टाइम। यस वेरी गुड। ओनली वंस, क्योंकि उसके बाद वो 90 हो जाता है। जो है उसमें कुछ चीज ऐसी है जो आप सबके साथ बांट सकते हो। एक एक ही एक्स्ट्रा पूछना था ना। पीछे वाला पूछो ना। हाँ पीछे वाला। वेरी ट्रिकी क्वेश्चन,
तीन पैर की तितली नहा धोकर निकली। हाथ ऊपर कर सकते हैं। यस तीन पैर की तितली समोसा। वेरी गुड। यंग एंड टैलेंटेड हेलो तुम लास्ट पूछे नाउ द लास्ट वन। अ ट्री यू कैन कैरी इन योर हैंड। बहुत इजी है इसका आंसर। अ ट्री यू कैन कैरी इन योर हैंड। पाम ट्री। क्या क्या नाम है आपका? हेमा। अगर एक लास्ट क्वेश्चन। राजा के महल में रानी 50, सिर पटके दीवार में जलकर हुए राख। यस यस सारे प्राइजेस फर्स्ट वाली रो में गए हैं, तो अगला वाला जो क्विज रहेगा उसमें मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि यहाँ से भी जीते लोग। ये वाला टाई हो गया था, सब विनर्स के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आई होप सबको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा एंड थोड़ा एंटरटेनिंग हुआ। आवाज नहीं आ रही। थैंक यू। एक सीरियस अपने प्रोग्राम शुरू होने के पहले सो जस्ट अ फन गेम आप लोगों ने एंजॉय किया ही होगा। थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून एवरीवन। माय नेम इज मनीषा बावनकर। आई एम पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ मिलर्व इंडस्ट्रीज एसोसिएशन लेडी एंटरप्रेन्योर सीरीज। मी एंड मिलर्व आर प्रिविलेज्ड टू गाइड यू थ्रू दिस स्पेशल इवेंट, रिवेलिंग एंड ऑनरिंग एवरी वुमन अराउंड अस ऑन दिस सिग्निफिकेंट डे, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। फ्रेंड्स, आफ्टर प्लेइंग दिस फनी एंड रिफ्रेशिंग गेम, ऑल मस्ट बी फीलिंग वेरी हैप्पी एंड रेडी टू लिसन टुडेज इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल टॉपिक, लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। Without further ado, let's start the session. I am honored to introduce our guest speaker, Manish Karkar sir. Manish Karkar sir is empaneled with Quality Council of India, New Delhi, and National Productivity Council for implementing lean management, zero defect, zero effect into micro, small, medium enterprises through Ministry of MSME. Presently, he is director and partner of Visionary Future LLP and owner of MK Consulting Company. He is a dynamic senior leader with an extensive experience of leading continuous improvements, lean manufacturing, industrial engineering projects, purchasing materials, supply chain, logistics, quality and operations management in manufacturing, retail and consulting sectors. He has proven record of reducing costs, increasing profitable growth and margins by redesigning processes based on best practices followed, that is lean manufacturing, Kaizen and 5S. He has been helping many companies to improve business process quality and increase levels of productivity using lean production system. He worked with clients in India and outside India. He consulted clients in India, Europe, Japan, UK, and US. I request our chairperson, Rashmi Kulkarni, to welcome Manish sir by giving floral bouquet and momentum.
I request Rashmi to welcome Manisha sir with floral bouquet. Thank you, Rashmi. Sir, please enlighten us on the manufacturing process. पहले क्या है कि आवाज आना जरूरी है तो समझ में आता है, ऑल आ रही है प्रेजेंट, अदरवाइज पीपल आर वॉन्डरिंग समवेयर. सो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस सेशन. इनफैक्ट वीआई इज इनफैक्ट pioneer in putting up a lot of new things to the entrepreneurs continuously. I recall I organized similar sessions earlier also on zero defect and lean manufacturing long time back before COVID also. But I think सबको English में समझ में आ रहा है या हिंदी मराठी कौन सी language prefer करा? Let me first understand so that हिंदी English English is okay. Thank you. Basically, without spending much time, we will directly go to the what is the lean. उससे शुरुआत करते हैं. Lean का मतलब क्या है? कितने लोग जानते हैं? उससे शुरुआत करते हैं. Can anybody answer what is the lean? Something which we are not. That is fine. But what you can explain in a dictionary meaning? टूटना पतला नहीं है. वो सोचने की बात है कि everybody is imagining कि I should be. Perception. But why? क्यों हम लीन बनना चाहते हैं? Everybody knows. और सबको बनना है लीन. They are doing lot of things day to day. But हम लोग जो activities कर रहे हैं business में वहां पे भी एप्लीकेबल है. यस. तो व्हाट इज लीन? व्हाट एवर इज द वेस्ट हम उसको कम करना चाहते हैं. बिकॉज व्हाट एवर फैट वी आर हैविंग वी आर थिंकिंग कि भाई उसको हमको कम करना है. व्हाट वी डू फॉर दैट? वी गो टू द जिम, वी गो टू द डू द योगा प्राणायाम एंड लॉट ऑफ थिंग्स. Because why we wanted to become the lean? Lean होने के फायदे हैं तभी तो हम लोग कुछ कर रहे हैं. तो lean क्यों बनना चाहते हैं? Fitness रहती है, better health, long life. अब ये सारी चीजें अगर हम industry से जोड़े, जो हम लोग यहाँ पर कितने लोग manufacturing कर रहे हैं, कितने लोग services में हैं? Can I understand? Okay, manufacturing, all are manufacturing and services mein kuch log honge. Yes. Some people are trading, trading is also services, right? To hum log jo bhi business kar rahe hain, udyog dhanda kar rahe hain, uske andar mein bhi humko lean hona padega tab hum log successful honge. Ab lean kyon successful hoga? Aur fat kyon nahi hoga? Today is the competitive world. Everybody knows. Competition किसके बीच में? जो product बना रहे हैं उनके बीच में है या फिर
कस्टमर्स के बीच में, बताइए बना रहे हैं। जो प्रोडक्ट बना रहे हैं कस्टमर कितना है, दे आर द सेम, ओके, क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ द अवेयरनेस इज इंक्रीजिंग इन द कस्टमर्स, बट वो डिमांड बढ़ना एक अलग चीज होगी, बट कंपटीशन क्यों बढ़ रहा है? पहले सेम प्रोडक्ट बनाने के लिए एक कंपनी होती थी, अभी दो नहीं चार नहीं, आप अपने आजू बाजू में देखेंगे कि आपका सेम प्रोडक्ट बेचने वाले कितने लोग हैं, देयर आर सो मेनी, तो कंपटीशन किसके बीच में? मैन्युफैक्चरर्स है या सेलर्स है, जो भी कस्टमर अपनी जगह पे, दे आर वेटिंग फॉर द गुड डील, एग्जैक्टली। अब कस्टमर को क्या चाहिए होता है, व्हाट आर द नीड्स ऑफ द कस्टमर, बराबर, अच्छी चीज मतलब क्या उसका बेस्ट होना चाहिए, क्वालिटी, रेट, रेट मतलब कॉस्ट, सेटिस्फेक्शन तो तब आएगा ना जब आपको रेट और क्वालिटी सही मिलेगा, तो दो चीजें तो हो गई, दोनों चीजें अवेलेबल है, लेकिन मार्केट में चीज अवेलेबल नहीं है तो क्या करेंगे? सो टाइमली जब आपका रिक्वायरमेंट है तब डिलीवरी भी होना चाहिए, नहीं? सो कॉस्ट क्वालिटी डिलीवरी, थ्री थिंग्स आर इम्पोर्टेंट, डे टू डे लाइफ में भी एप्लीकेबल है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, आप उसको कोरिलेट कीजिए डे टू डे लाइफ में। अब यहाँ पे काफी लोग मैरिड होंगे, उन्होंने अपने हस्बैंड को भेजा हुआ मार्केट में कि भाई मेरे को सब्जी बनानी है अर्जेंट में, मेरे को टोमेटो लेके आओ, और टोमेटो वेंडर्स ये तीन वेंडर बैठे हुए हैं वहां पे सप्लायर, पहले वाले वेंडर के पास में गया, वो बोला भाई कैसे लगाया, तो बोले 100 रुपए किलो है, अरे बोले बहुत महंगा है, नहीं बोले साहब एकदम ताजा है, डायरेक्ट फार्म से आ रहा है, और इसमें भी दो टाइप के हैं, ये 150 वाला है, तो 150 के, बोले ये ऑर्गेनिक है या नॉन ऑर्गेनिक, नहीं है यार, ठीक है कॉस्ट तो बहुत ज्यादा है बट क्वालिटी अच्छी दिख रही है, दूसरे वाले को पूछा तो बोले सर मेरे यहाँ तो 80 रुपीज के जी, आपको चाहिए तो अभी दे देता हूँ, बट क्वालिटी वाइज नॉट गुड, डाउट नहीं बोलता कोई, हाँ जी अपनी क्वालिटी खुद नहीं, हाँ उसके हिसाब से तो अच्छी थी ना, 80 रुपए में वो अच्छी क्वालिटी दे रहा है, बट अवेलेबिलिटी है उसकी, पड़ा हुआ टनों से मान पड़ा हुआ है। तीसरा वेंडर था, बोला जी मेरा माल आ रहा है रास्ते में, अभी गाड़ी आ रही है, आप इंतजार करो एकदम ताजा माल दूंगा, बोले कितना, नहीं बोले वो रेट तो एकदम ताजा रहेगा तो 200 रुपए किलो, अब तो बायर पीछे से फोन आ रहा है उसके ऊपर, लेके आएंगे जी कढ़ाई चढ़ चुकी है तो उसके ऊपर प्रेशर क्या आ गया कि डिलीवरी इमीडिएटली देना है, अब उसने अपना परचेसिंग पावर देखा और उसके हिसाब से क्या परचेस करेगा, कस्टमर कौन है वो सेम ही है, तो कंपटीशन किसके बीच में हो रहा है, सेलर्स के बीच में हो रहा है, मैन्युफैक्चरर्स के बीच में हो रहा है, और वो सक्सेसफुल रहेगा जिसके पास में कॉस्ट क्वालिटी और डिलीवरी तीनों का कॉम्बिनेशन में बेस्ट परफॉर्मर रहेगा, तो इंडस्ट्री को भी यही करना है, वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, सम ऑफ जस्ट स्टार्टअप्स, सम ऑफ देम ऑलरेडी स्टार्टेड एंड लॉन्ग बैक, हो सकता है 5-10 years हो गए, सम ऑफ देम 20 years ओल्ड हो गए, लेकिन रूल इज एप्लीकेबल टू ऑल सेम, कल भी था आज भी है और कल भी रहेगा। अब हम लीन क्यों करना चाहते हैं अपने आप को, अब हमको प्रॉफिटेबल करना है अपने आप को, क्योंकि जो सेलर है वो अगर इन सब चीजों में कम करने लग जाएगा तो प्रॉफिट नहीं होगा, तो वो करने का फायदा है, हम लोग चैरिटी तो कर नहीं रहे, बिजनेस इज नॉट द चैरिटी, अनटिल अनलेस एनी बिजनेस इज प्रॉफिटेबल
उसको बंद कर देना चाहिए। ये किसका बोलना है? अंबानी इसका। What they do? Every day they close 2 to 3 businesses. Every day they open 2 to 3 businesses minimum every day. क्योंकि मैंने उस लेवल पे विनोद मित्तल जी जो एलन मित्तल के छोटे ब्रदर है उनके साथ मीटिंग्स में हम लोग आईबीएम के साथ उनका एक प्रोजेक्ट कर रहे थे। बोले सर ये वाला प्रोजेक्ट दो बंद कर दो, रात को 2 बजे मीटिंग चल रही है, ये दो बंद कर दो सर, इतने करोड़ खर्चा हो गया। बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, बंद कर दो। क्यों? क्योंकि प्रॉफिटेबल नहीं। तो प्रोजेक्ट आपका जो भी बिजनेस है प्रॉफिटेबल करने के लिए आपको लीन होना पड़ेगा। लीन क्या है? जो वेस्ट की हम बात कर रहे हैं वो वेस्ट क्या है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। और वो वेस्ट कैसे हमको सपोर्ट करेंगे? लीन मैन्युफैक्चरिंग क्या है? रिड्यूसिंग द वेस्ट। ये सारा जितना भी पीपीटी लिखा हुआ है ये सब गूगल पे मिल जाएगा, तो इसको लिखने की पढ़ने की जरूरत नहीं, गूगल पे आपको केवल समझने की बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत। तो व्हाट वी आर गोइंग टू हैव एज ए डेफिनेशन ऑफ लीन कि सिस्टमेटिकली वी हैव टू थिंक अबाउट व्हाट वी आर गोइंग टू क्रिएट द वैल्यू इन मिनिमम कॉस्ट एंड ऑन टाइम। जब जरूरत है उस समय आप वो प्रोडक्ट को क्रिएट करेंगे तो ही उसकी सेल होगी। अब आप आज जो है उसकी जरूरत है लेकिन आप उसके 5 साल बाद वो लॉन्च करोगे प्रोडक्ट, तो तब तक तो ऑलरेडी मार्केट में कई लोग लॉन्च कर चुके होंगे। तो ये लीन थिंकिंग पहले माइंडसेट चेंज करना बहुत जरूरी है। अब लीन थिंकिंग के अंदर में आपको वैल्यू बेस्ड काम करना है कि किस चीज से वैल्यू मिल रही है। जो मुझे वैल्यू दे रहा है वही एक्टिविटी हमारे लिए कौन की काम की है। हम जो भी काम कर रहे हैं बिजनेस के अंदर में कोई भी प्रोसेस है वो बिजनेस प्रोसेस के अंदर में आपको अगर वैल्यू नहीं मिलती है तो उसके ऊपर जो भी आप टाइम लगा रहे हैं, जो भी मैन पावर लगा रहे हैं, जो भी मटेरियल लगा रहे हैं, उसका कुछ खर्चा होता है कि नहीं? तो वो खर्चा कहाँ गया? वेस्ट हो गया। वही वेस्ट हमको रोकना है। जो नॉन वैल्यू एडिंग है वो हमारे बिजनेस का वेस्ट है, दैट इज द फैक्ट। और हर बिजनेस के अंदर में वो होता है। वो फैक्ट कम करने के लिए हमको एक सिस्टमेटिक अप्रोच से चलना पड़ेगा और हमें अपना बिजनेस जो कि एक घर है मजबूत बनाना पड़ेगा, तब वी कैन स्टैंड इन द कंपटीशन। कंपटीशन में हर तरफ से कंपटीशन है। बिल्डिंग इस तरह की होती है जिसके अंदर में अगर परफेक्ट बिल्डिंग ना हो तो हवा आंधी आएगी तो गिर जाएगी, बारिश होगी छत से टपकना शुरू हो जाएगा। तो हमारे बिल्डिंग को मजबूत होने के लिए क्या चाहिए? हाउस ऑफ लीन जो है ये अगर हम समझ गए तो एवरीथिंग इज डन। कोई भी घर बनाता है तो क्या बनाता है? बेस परफेक्ट होना चाहिए। तो बेस किस चीज का होना चाहिए? टीम। अकेला आदमी बिजनेस चलाता है कि नहीं? वो शुरू करता है लेकिन उसको बड़ा करने में धीरे 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 लोग ऐड होते हैं। और हर चीज अगर अपने हाथ से करने जाएगा तो कितने दूर तक जा पाएगा? हर डायरेक्शन में तो नहीं जा सकता। तो मल्टीपल लोग जो ऐड होते हैं वो वर्क टीम होती है, लेकिन उनको लीन के कॉन्सेप्ट्स समझ में आएंगे कि वेस्ट क्या है और वेस्ट क्या नहीं है। उनको हम लोग ये सोचने की शक्ति देंगे कि भाई तुम ये सोच के ही काम करो। तो दैट इज एम्पावर्ड वर्क टीम, कि उसको पावर दिया है आपने कि भाई ये वेस्ट है और ये वेस्ट नहीं है, इसके बीच में डिफरेंस करके अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके आप एक्शन कीजिए। और उसको जो एक्शन लेने हैं उसके लिए क्या यूज करना है? प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी पड़ेगी। एवरी डे कोई ना कोई प्रॉब्लम आता है हमारे बिजनेस हम जब रन करते हैं, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक सिस्टमेटिक अप्रोच होना चाहिए। तो प्लान, डू, चेक एंड एक्शन,
दिस इज अ जैपनीज साइकिल और प्रॉब्लम सॉल्विंग, और इस साइकिल को अगर हम यूज करते हैं कि भाई पहले व्हाट इज द प्रॉब्लम हमने डिस्कस करने के बाद उसको प्लान करेंगे कि भाई क्या एक्शन लेना है, उसको उस एक्शन को करेंगे, करने के बाद में चेक करेंगे कि एक्शन परफेक्टली हुआ है या नहीं हुआ, कुछ और बचा तो नहीं, एंड देन फर्दर एक और एक्शन उसके लिए डिफाइन करेंगे कि बचे हुए। तो दिस इज प्लान टू चेक एक्शन इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल। अब ये दो लेयर के बाद में, अब जैसे हम लोग बेस बनाते हैं तो एक तो होता है केवल बेस बना दिया मिट्टी का, दूसरा बनाया सीमेंट का, तीसरा और मजबूत बनाना तो रिइंफोर्समेंट में हम लोग क्या डाल देते हैं, स्टील डाल देते हैं, सरिया बोलते हैं उसको। तो यहां पे जो लीन के टूल्स हैं वो सारे टूल्स बेस के अंदर में एज ए रिइंफोर्समेंट यूज होते हैं। इसमें फाइव एस आपने सुना हुआ है, कितने लोगों ने फाइव एस के बारे में सुना हुआ है? हाउसकीपिंग पता है सबको, हाउसकीपिंग मुझे वैसे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग सभी लोग अपने घर में किचन में तो मेनली करते हैं। तो हाउसकीपिंग जो है 5S एक कॉन्सेप्ट है जिसको सिस्टमेटिकली इंप्लीमेंट करके आप 90% प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं बिजनेस के। उसके छोटे छोटे भी एग्जांपल और बड़े बड़े भी एग्जांपल है, केवल एक टूल ही आपको करोड़ों का बेनिफिट दे सकता है। देन काइजेन एक कॉन्सेप्ट है, ये सारे जितने भी लीन के टूल्स हैं ये सब जैपनीज वर्ड्स यूज होते हैं, काइजेन इज अ जैपनीज वर्ड। उसमें कंटिन्यूअस छोटे छोटे इंप्रूवमेंट करना है, अगर हम बड़ा इंप्रूवमेंट करने जाएंगे तो कॉस्ट ऐड होती है, हमको बड़े कॉस्ट वाले जो है इंप्रूवमेंट पहले दिन नहीं करना क्योंकि जरूरत नहीं है। अगर मेरी कैपेसिटी मशीन चलाने के बाद में 100 प्रोड्यूस कर सकता हूं लेकिन मैं अगर 50 ही प्रोड्यूस करूं तो इसका मतलब 50 अभी भी कैपेसिटी में बचे हुए हैं, लेकिन मैं उसकी जगह नई मशीन लेके आता तो गलत है ना, नई मशीन की कॉस्ट भी ऐड हो जाएगी। और क्यों? क्योंकि आपका जो 50% वेस्ट हो रहा है कैपेसिटी का वो हम यूज नहीं कर रहे। तो धीरे धीरे हमको कैपेसिटी बढ़ाने के लिए स्टेप बाय स्टेप इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, हाउ वी कैन इंप्रूव दैट साइड कि हमारी कैपेसिटी बढ़ जाए। ये काइजेंस रिइंफोर्समेंट की तरह काम करें। अब बिल्डिंग का जो बेस है वो बढ़िया हो गया तो पिलर्स हमारे अच्छे होना चाहिए, जो भी हम काम करेंगे वो बेस्ट क्वालिटी का करेंगे। फर्स्ट टाइम में ही हम क्वालिटी की एक्टिविटी करेंगे, जो भी आपके क्वालिटी पैरामीटर्स है, प्रोडक्ट आप क्या बना रहे हैं उससे मतलब नहीं है, उसकी क्वालिटी के पैरामीटर हर बिजनेस में हर प्रोडक्ट में होते हैं। अगर आप सर्विस भी दे रहे हैं तो उसका भी एक क्वालिटी पैरामीटर है, तो वो फर्स्ट टाइम में ही बिल्टन होना चाहिए। अगर आपने पहली बार में जो क्वालिटी बनाई तो क्या करना पड़ेगा, उसके फायदा होगा या नुकसान होगा? पहली बार में आपने अगर गलती की तो उसको डिफेक्ट हो गया, रिपीट रिपेयर करना पड़ेगा, तो रिपेयर करने में हमारी एक्स्ट्रा कॉस्ट लगती है। बिल्टन बनाएंगे पहली बार में सही बनाएंगे तो हमारा वो कॉस्ट बच जाएगा, विच इज नॉट सीन बाय अस। तो बिल्टन क्वालिटी इज द बेस्ट थिंग टू बी डन। देन बिल्टन क्वालिटी के बाद में आपका जो है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होना चाहिए कि हमारे प्रोसीजर्स सारे के सारे परफेक्ट हो, और उसी प्रोसीजर्स के चलते हमारी जो है क्वालिटी बेस्ट कंटिन्यूअसली मिले। देन एक पिलर हमारा है टोटल प्रोडक्टिव और प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, हमारे जो टूल्स हैं सारे के सारे वो हमारे परफेक्टली वर्क करते रहे, ब्रेकडाउन ना हो, तो उसका भी एक सिस्टम होना चाहिए। और विजुअल मैनेजमेंट कि भाई आप जो भी कर रहे हैं वो सारी एक्टिविटीज आपकी कंट्रोल जो हो रही है विजुअली मैनेज कर सकते हैं। विजुअली मतलब केवल हम सीसीटीवी लगा देने से विजुअली नहीं होने वाला, हम जो कर रहे हैं वो विजुअल एक्टिविटी को हम लोग मैनेजमेंट एक्टिविटी में बदल दें कि भाई अगर मैंने ये सिस्टमेटिक 6 चेयर लगाई हुई है और अगर सिस्टमेटिक नहीं है तो मैं
बाद में गिनने के लिए जाऊंगा वो काम बच जाएगा मेरे को, देख के समझ में आ जाएगा हाँ छह है। तो दिस इज द विजुअल मैनेज। अब ये जो बिल्डिंग बन गई है उसका जो छत है दैट हैज टू बी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। अब जो छत होती है उसको हम लोग को क्या करना पड़ता है, कंटिन्यूअसली उसमें रिपेयर करना पड़ता है, लीकेज होती है। तो ये कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट तो होगा जब पूरी टीम क्रिएटिव एक्टिविटीज करती रहेगी, हर रोज कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी आएगी और उस क्रिएटिविटी को डे टू डे एक्टिविटीज में काइजन के रूप में हम लोग इंप्लीमेंट करते जाएंगे। तो ये जो हाउस ऑफ लीन है ये हमारे को देगा वेस्ट फ्री। तो ये जो एक्टिविटीज है बेनिफिट्स क्या है इसमें? Many benefits taken by all over the world, many industries. इसमें जो जितना करेगा उसको उतना मिलेगा, बट प्रूवन है कि प्रोडक्टिविटी 30-40-50% तक इंक्रीज होती है। आपके जो है डिफेक्ट्स जो है जीरो डिफेक्ट की तरफ जाते हैं, थ्रूपुट जो है आपका डिक्रीज होकर 70% तक आ जाता है। कस्टमर का लीड टाइम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑन टाइम डिलीवरी। कितने लोग यहाँ पे हैं जो अपने बिजनेस में ऑन टाइम डिलीवरी कर पाते हैं? ऑन टाइम मतलब जिस दिन उन्होंने बोला है कि मेरे को इस डेट पे चाहिए उस दिन ही आप डिलीवरी कर पा रहे हैं। yes. तो आपको रिपीट ऑर्डर उसी कस्टमर से इजीली मिलते थे। yes. तो वो 95-98-100% तक अगर ज्यादा जाएंगे तो दैट इज अनदर बेनिफिट। तो ये जो बेनिफिट्स है ये लेने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम बनाई हुई है कि ये 8 वेस्ट है, उसमें से एक वेस्ट नजर आता है जो डिफेक्ट होता है, डिफेक्टिव्स होते हैं, लेकिन बाकी के वेस्ट नजर नहीं आते हमको। ओवर प्रोडक्शन हो गया आपका, एक्सेस इन्वेंट्री हो गई, ऑल दीज थिंग्स आप देख रहे हैं कि ये 8 तरह के वेस्ट के अंदर में केवल एक वेस्ट नजर आता है। और ये सारे वेस्ट हमको कम करने के लिए जितने टूल्स हैं लीन के वो यूज होते हैं। अब ये टूल्स किस तरह से हैं कि फार्मेसी के अंदर में आपके पास में सारे पड़े हुए हैं मेडिसिन, लेकिन हमें कौन सा किस मात्रा में यूज करना है ये कंसल्टेंट बताता है एज ए डॉक्टर कि आपके बिजनेस में क्या सिम्टम्स है और उसके हिसाब से पैरासिटामॉल कितना लेना है, उसके हिसाब से आपको क्या कितना मात्रा में लेना है वो गाइड करता है। तो वहां कंसल्टेंट का रोल आता है। हम लोग उस तरह के कंसल्टेंट है, मेरे साथ में संजय है जो ब्लैक बेल्ट सिक्स सिग्मा के मास्टर है, ऑलरेडी सीमेंस जैसे कंपनी में जर्मनी में काम करके आए हैं, मैंने जापानीज कंपनीज में काम किया हुआ है। तो ये सारे टूल्स टेक्निक आपको जो लोग ट्रेंड है उनसे सीख के इम्प्लीमेंट करें, उसके लिए गवर्नमेंट ने एक योजना बनाई है जो एमएसएमई इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है। तो उसमें आपको बेसिकली एमएसएमई होना जरूरी है और एमएसएमई को यही फायदे सारे मिले तो उन्होंने क्या किया कि सब्सिडी चाहिए होती ना, आपको वो फीस देने की ताकत नहीं है क्योंकि एमएसएमई ऑलरेडी स्ट्रगल करती होती। तो मिनिस्ट्री हैड क्रिएटेड द स्कीम कि ओनली 10% हैज टू बी इन्वेस्टेड बाय द इंडिविजुअल मैन्युफैक्चरर और वो 10% ऑफ द टोटल फी टू बी चार्ज बाय द कंसल्टेंट। तो कंसल्टेंट को जो एक फी मिलने वाली है उसका केवल 10% आपको देना है और बीइंग ए वुमेन एंटरप्रेनर वो 5% देना, ठीक है। तो ये पूरा प्रोग्राम जो है स्कीम के अंदर में आपको 3 लेवल के सर्टिफिकेशन करने, पहला बेसिक लेवल का है जिसके लिए आपको एक बार एनरोल करने के बाद में सेल्फ स्टडी करना है, सेल्फ स्टडी करके आपको एक एग्जाम देना है, जो भी कॉन्सेप्ट है उसके वीडियोस है ऑनलाइन क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे, वो लोग एक आपको यूजर आईडी पासवर्ड देते हैं और उसको समझने के बाद में आप उसकी एग्जाम ऑनलाइन देते हैं, तब आप नेक्स्ट लेवल के लिए क्वालिफाई करते हैं। नेक्स्ट लेवल है इंटरमीडिएट लेवल, उसमें जो है लीन कंसल्टेंट के रोल आता है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में स्टडी करके 6 मंथ का ये प्रोग्राम होता है, उसके अंदर में ये सारे टूल्स का इंप्लीमेंटेशन किया जाता है बेस्ड ऑन नीड। एंड देन एडवांस लेवल पे आपका फर्दर जो टूल्स है उसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये टोटल जो है 20 मंथ्स का प्रोग्राम है जिसके अंदर में गवर्नमेंट
आपको सपोर्ट कर रही है बाय गिविंग द 90-95% सब्सिडी। अब इसके बेनिफिट्स जो है वो किसको मिलते हैं, गवर्नमेंट वापस कुछ नहीं ले रही आपसे कि आपके यहाँ पे सपोज कंसल्टेंट ने आपकी कंपनी में 10 लाख रुपए का बेनिफिट करवा दिया, तो ना कंसल्टेंट को वो पैसे जाने वाले ना गवर्नमेंट को जाने वाले, वो पैसे कहाँ आने वाले, आपके अकाउंट में आने वाले हैं। सो इज इट गुड और बैड? और कुछ भी सीखने के लिए कहीं ना कहीं हमको एफर्ट लगाना पड़ता है, थोड़ा अच्छा सीखने के लिए हम लोग कोचिंग में भेजते हैं, तो हम लोग कोचिंग भी करते हैं सो दैट पीपल दो आर इंटरेस्टेड दे कैन कम एंड गेट दिस नॉलेज इन एडवांस, तो उनके यहाँ बेनिफिट ज्यादा हो जाता है क्योंकि अगर आपको पहले से पता होगा तो यू कैन डू द थिंग्स। इसमें क्या है, लीन का एक प्लेज मिलता है पहले कि यू आर रेडी टू इम्प्लीमेंट दीज थिंग्स एंड देन यू गो फॉर द कोर्स जिसके अंदर में ई सर्टिफिकेट आपको इश्यू किए जाते हैं। तो बेसिक के लिए जो है आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा, इंटरमीडिएट के लिए मिलेगा और एडवांस लेवल के लिए मिलेगा। तो ये तीनों जो सर्टिफिकेशन रहेंगे इसका जेड जो सर्टिफिकेशन है उसके अंदर वेटेज भी मिल रहा है। आपकी कंपनी अगर बड़ी कंपनीज को सप्लाई कर रही है तो वहां पर भी वो लोग वेटेज देते हैं, जैसे महिंद्रा जैसी कंपनी है जिसके यहाँ लीन का इंप्लीमेंट हुआ उसको बिजनेस ऑर्डर ज्यादा मिलता है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कंसिस्टेंटली बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट कम कॉस्ट में और टाइमली देगा। ये डिफरेंशिएशन आपकी कंपनी को मिलेगा और ये आपका अपना सिस्टम होगा। और सब्सिडी का जो अगर वीआईए इसको करता है तो वीआईए को भी 5,000 रुपए मिलेंगे पर कंपनी, और 10 कंपनीज का एक क्लस्टर बनाया जा सकता है, मिनिमम 4 कंपनियों का, 4 से 10 कंपनी है। तो यू कैन अर्न एज ए वीआईए एज एजेंसी टू इम्प्लीमेंट फॉर देयर क्लस्टर। तो जैसे आपका लेडीज एंटरप्रेनर भी है, दे कैन स्टार्ट दिस थिंग और 50,000 रुपए आपको भी मिल जाएंगे गवर्नमेंट से। तो बेनिफिट फॉर ऑल दिस स्कीम इज लाइक दिस। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक मैंने ज्यादा टाइम ले लिया है, आपने 4 बजे का टारगेट दिया था, अचीव्ड इट। थैंक यू। Thank you, Manish sir, for sharing your expertise on the manufacturing process. मेरा नंबर दिया हुआ है, आप लोग नोट कर सकते हैं। और बोल दीजिए सर। 9511760229। आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मिनिस्ट्री में मनीष झा सर हैं और भी डायरेक्टर्स लोग बैठे हुए हैं, तो कहीं पर भी कभी आपको कोई भी क्वेश्चन हो। और इसके लिए जो वेबसाइट है lean.msme.gov.in, तो ये वेबसाइट के ऊपर आप जा सकते हैं और क्विकली आपको 2 मिनट की एक मूवी चलती रहेगी, आप आगे का नेक्स्ट चालू कर दीजिए। थैंक यू। आत्मनिर्भरता की ऊर्जा तीव्रता से अग्रसर रहा है, भारत की औद्योगिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है हमारे एमएसएमई, यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, जिनका आज देश की जीडीपी में लगभग 30% का बड़ा योगदान है। आसान भाषा में समझे तो नीम का मतलब है दुबला या पतला होना, यानी शरीर में से अनावश्यक फैट को निकालकर उसे स्वस्थ और तंदुरुस्त रखना। बस इसी उद्देश्य को उत्पादन प्रक्रिया में सम्मिलित कर नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी को घटाकर संस्थान को ज्यादा से ज्यादा कंपेटिटिव व प्रॉफिटेबल बनाना लीन का मुख्य ध्येय है। प्रमुख तौर पर लीन एक सुनियोजित कार्य प्रणाली को स्थापित कर पूर्ण रूप से वेस्टेज को कम करने का प्रयास करता है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को स्थायित्व देने के लिए दो आधारभूत स्तंभ जस्ट इन टाइम यानी GIT और जडोका का प्रयोग करती है।
इनके सम्मिश्रण से वर्कर एवं मशीन का उपयुक्त प्रयोग तथा त्रुटियों को सही समय पर नियंत्रित करते हुए कम से कम समय में गुणवत्ता उत्पादन। ये फिल्म ऑलरेडी यूट्यूब पे है, जिनको इंटरेस्ट है वो यस यस, और लिंक भी शेयर हो जाएगी तो मैं वो अपने ग्रुप्स पे डाल दूंगी। बहुत ही बढ़िया सेशन रहा सर, मुझे सिर्फ एक क्वेरी है कि कितना अंदाजे खर्चा लगता है अगर लीव के साथ जाना है तो इनिशियली। जो गवर्नमेंट ने जो स्कीम किया है इसके अंदर में दो स्टेज में जो है, फर्स्ट स्टेज तो फ्री है, ऑनलाइन रहेगी, फर्स्ट स्टेज फ्री है, आप एनरोल करके 2 महीने के अंदर में फर्स्ट स्टेज का पूरा ऑनलाइन लर्निंग कीजिए, और उसके बाद में जो इंटरमीडिएट स्टेज है उसमें जो है आपका 1,20,000 इज द इन्वेस्टमेंट टोटल, उसका आपको 10% खर्च करना है फ्रॉम योर साइड, 5% और फॉर लेडीज एस सी एस टी एंटरप्रेनर्स के लिए या स्फूर्ति वगैरह जो क्लस्टर्स होते हैं उनके लिए ओनली 5% है। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है 1,20,000 जो इंटरमीडिएट के लिए है उसका कितना हो गया, 12,000 रुपए, और 12 का भी 6,000 हो गया, और कितने महीने का प्रोसेस है ये, केवल 6 महीने का, मतलब आपको वर्ल्ड क्लास कंसल्टेंट लाइक अस आर अवेलेबल ओनली 1,000 पर मंथ इन्वेस्टमेंट। इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। हम लोगों का जो कॉस्ट है 1,00,000 रुपीज पर मंथ है। हम लोग इंटरनेशनल मार्केट में काम करते हैं, आई वॉज इन यूके, और लेवल 3 जो एडवांस लेवल है उसका 2,40,000 इज द इन्वेस्टमेंट है टोटल, उसमें भी सेम 10% करके मतलब 24,000 और उसका 50% 12,000, और दैट इज आल्सो प्रोसेस ऑफ 12 मंथ्स, वो 12 मंथ्स का। बहुत बढ़िया, यानी जो जो मैन्युफैक्चरर्स, हां मैं भी सोच रही हूं करने का, इट्स रियली बेनिफिशियल। केवल 1,000 रुपए महीने पे इतना, तो जिन जिन को इंटरेस्ट है वो लिंक भी मैं भेजूंगी और सर का नंबर भी सबके पास है, सो वी कैन कॉन्टेक्ट एंड वी कैन कॉन्टेक्ट द एबीसीबी डिपार्टमेंट ऑल्सो। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द होल एबीसीबी डिपार्टमेंट फॉर दिस वंडरफुल यूजफुल इन्फॉर्मेटिव सेशन। थैंक यू सो मच बोथ मनीष सर, थैंक यू सो मच। So welcome back again. Again, we have a very short and interesting quiz for all the business entrepreneurs, women entrepreneurs over here. You can see on the screen, we have given a choti si link di hui hai. So aap log apne mobile mein ye type karke, you will be connected to a Google form. So ye aapko karna hai. And there are around 19 questions. Aapko, it is a multiple choice question based on different sectors of knowledge. So there will be 2 winners for the quiz. The one with the maximum right answers and the fastest to answer all the right answers. So there will be a maximum time of 5 minutes. You have to answer all the questions along with all the entries and submit the link. I think sabko clear hai. Link aapko karna hai. When I will start, then you need to start the questions because there will be a time of. सबको लिंक टाइप करके आगे प्रोसीड करना है। रश्मि प्रोसीड करने गए क्या? नहीं नहीं उनका फोन आएगा, निकल गए हम लोग, तब तक अपनी क्वीन का नींद चली जाएगी ना। हाँ हाँ जीके पे और अदर लीडरशिप पे क्वेश्चंस है, फास्टेस्ट और राइट आंसर, और हर क्वेश्चन को अलग अलग वेटेज भी है, तो जो आएंगे उनको प्राइजेस है, और जो विनर्स है वो प्रोग्राम के लास्ट में अनाउंस होंगे। तो सबने अगर टाइप कर ली होगी लिंक तो हम स्टार्ट का टाइमर शुरू करते हैं। द टाइम इज 5 मिनट्स। अभी स्टार्ट नहीं करना है, टाइप करके सेंड कर सकते क्या लिंक?
खाली डैश है, बाकी इधर तो कुछ नहीं है ना, दो टाइप आपके लिए दीजिए। क्योंकि क्या हो जाएगा अगर हम ग्रुप पे टाइप करेंगे ना, तो सारे बाहर के लोग भी एड्रेस कर पाएंगे, हमें सिर्फ यही की अटेंडेंस पे करना चाहिए। ठीक है ठीक, तो हम ग्रुप पे नहीं डाल सकते लिंक। ओके मैम, कर दीजिए। tinyurl.com एक सेकंड का काम /lew-women-date-quiz, इसीलिए वो सिंपल की हुई है लिंक। बनाया इसलिए टाइनी रखा है क्या नाम उसका? सबका टाइमिंग हो गया, सो दैट यू कैन स्टार्ट द टाइमिंग। ओपन हो रही है सबकी लिंक, सबकी लिंक ओपन हो रही है, सो दैट वी कैन स्टार्ट द टाइमर। हां एग्जांपल सबका हो गया। We will start the time. The time starts now. 5 minutes का time है अपने पास. Open नहीं हुआ उनका. तो 5 मिनट की शांति है। सबका हो गया, उसने टाइम स्टार्ट कर दिया, कर दिया होने। उसको प्ले कर दे, दो प्राइज मत देना। ठीक है हाँ, इसी मेंबर से प्ले कर सकते हैं, प्राइजेस नहीं मिलेंगे सिर्फ। हम खेल चुके हैं, 1 मिनट हो चुका है। लास्ट 2 मिनट्स। थैंक यू राजेश, शांति शांति बहुत अजीब लग रही है। 20 देने से तो होगा। हाउस इज आवर, मैंने कहा हाउस इज आवर, ये सबसे लगे हाउस साउदी आ रहे हैं क्या? आज कितना सारा इंसान के सिर पे है, कितना सारा सिर पे है। लास्ट 2 मिनट्स। अनीता पूना नहीं गई थी तुम्हारे कुछ फंक्शन था तुम लोग का? क्या करूँ क्या?
सबमिट कर लो ना, हो जाता है तो सबमिट कर दीजिए फॉर्म। कर दिया। लास्ट वन एंड हाफ मिनट, जब तक हो गया होगा तो हम पहले भी टाइम अप कर सकते हैं। सबने सबमिट कर दिया। ठीक है, ठीक है, जिनका होना है कर लीजिए। एक लिंक last 20 seconds तो इसका रिजल्ट अनाउंस होगा लास्ट में, आफ्टर द बेस्ट लेडी एंटरप्रेन्योर अवार्ड्स। हम ये वाले अवार्ड्स देंगे क्विज के। I request our chairperson Ashwin Kulkarni to please give a memento to Manish sir. Thank you, Ashwin. Thank you, sir, for graciously accepting our invitation and giving your full support. Hello everyone, respected guests, members and participants. On behalf of VI Ladies Entrepreneur Week, I, Neelam Bawade, and my co-host Manisha Bhavankar extend a very warm and cordial welcome to all of you on this special occasion, International Women's Day celebration. Today, we are very fortunate to have Ms. Usha Singh, Director, HR Mohan Limited, Nagpur, as Chief Guest, and Ms. Sri Sarva, winner of International Glam Icon 2023 as Guest of Honor. We have a diverse and interesting program today, from inspiring speeches, various activities and awards that showcase the talent and achievement of women.
So before we start our Women's Day celebration, I invite Rashmi Kulkarni, our chairperson, BILEW, to please address us. Thank you, Neelam. A very good afternoon again to all the lovely ladies present here. As we gather here today to celebrate International Women's Day, it is our honor to have Usha Singh ma'am, Director Moil, and Reet Rupani ma'am. So, in presence of these two lovely ladies, we are going to celebrate the International Women's Day, and also we are going to acknowledge through awards to lady entrepreneurs in various sectors like manufacturing, service, startup, and social. So, let's celebrate this womanhood by an empowerment by giving the awards. So, I welcome all our guests, Usha Singh ma'am and Reet ma'am. Also, there is a special presence of Ujwala ma'am, who is AGM Moil. She is also here. So, I welcome you, ma'am, Ujwala ma'am. So, without wasting the time, we will start the program. I request Neelam and Manisha to proceed further. Thank you. Thank you, and welcome. Thank you, Rashmi. Every day is a Women's Day, but 8th March is International Women's Day, a day reserved to laud the strength, courage, wisdom, and resilience of women around the globe. Today, BILEW is celebrating this International Women's Day, and we are very honored to have two dynamic guests with us. I am delighted to introduce our esteemed chief guest, respected Usha Singh Ma'am, Director, HR Moli Limited, Nagpur, who has warmly accepted our invitation to join us today. Respected Usha Ma'am is in charge CMD and first Director HR of Moli Limited. Prior to joining the company, she was Executive Director heading Personnel, HRD, CSR, Administration, and other related functions at NMDC. She was also heading the business development and corporate planning functions in NMDC. She is an engineering graduate and an MBA who has more than 30 years of professional experience. She worked for SEM for around 25 years, out of which she was a technical advisor to chairman SEM for more than 8 years. Usha ma'am has been adjudged as one of the top 100 inspirational women in mining globally in 2020. First time from India. She has several other awards also to her credit, which includes Scope Outstanding Woman Manager 2017 and Best Employee Award in SEM. She has authored and presented several papers in national as well as international conferences. Ma'am, your esteemed presence is glorifying the event and adding a vibrancy to our humble gathering. We welcome you, ma'am. And request our chairperson Rashmi to welcome respected Usha ma'am with a floral bouquet and memento. Thank you, Rajna. My dear friends, it gives me immense pleasure to introduce our program's guest of honor, Reet Sarva ma'am. By profession, she is an astrologer, numerologist, sound healer, access bath therapist, and counselor. Her achievements are a winner of International Glam Icon 2023, winner of Mrs. Navadurga Orange City Nagpur 2023, awarded as International Peace Ambassador from Center of Peace Studies, Sri Lanka in 2019, Woman of the Year Award in the year 2023, Outstanding Director of in Rotary, Notable Network in BNI, Best Youth President in Sindhi Community. Ma'am, we are honored to have you here today, and we are truly grateful for your gracious present. We welcome you, ma'am. I request Yogita Deshmukh, Secretary BILEW, to welcome Reet ma'am with floral bouquet and memento.
Thank you, Yogita. The start and end of human evolution is from women, that is feminine energy on this planet. We always celebrate this International Women's Day, but while celebrating it, several questions arise in our mind, right? Now I request Vandana Sharma, past president of VILAW, to please come forward and enlighten us on the importance of International Women's Day. Thank you, Manisha. Good afternoon to all present here. First, I would like to wish you all a very happy International Women's Day. Though it was on 8th of March, but we are celebrating today, so I wish you all today. जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि इंटरनेशनल वुमेन डे इज अ ग्लोबल सेलिब्रेशन ऑफ सोशल इकोनॉमिक कल्चरल एंड पॉलिटिकल अचीवमेंट ऑफ वुमेन. तो सारा बहुत से लोगों को इसके पता भी है हिस्ट्री, बट मैं आज बहुत ही शॉर्ट में मेरे ख्याल से 5 मिनट में सिर्फ आपको एक रिविजन ही कहिए या आपको फिर से इस थोड़ा सा याद दिलाते हैं कि कितना किस स्ट्रगल से ये दिन आज मनाया जाता है, इसके पीछे क्या कहानी है. तो इन 1908 15,000 वर्किंग वुमेन ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी मार्च थ्रू न्यूयॉर्क सिटी डिमांडिंग फॉर बेटर पे and better pay, good working conditions and voting rights. तो उन्होंने ऐसा एक अपना स्ट्राइक किया, आंदोलन किया और उसको सपोर्ट मिला क्योंकि उन्होंने काफी बहुत ही जैसे बोलते ना जोर शोर से ये किया ना, तो सपोर्ट मिला और सक्सेस हुआ. तो सक्सेस हुआ तो उसके एक साल बाद इन 1909 में द नेशनल वुमेन डे वॉज ऑब्जर्व अक्रॉस द यूनाइटेड स्टेट, वहां पे नेशनल वुमेन डे मनाया गया. और उस पर जो चर्चा हुई वो जब इन 1910 में इंटरनेशनल वर्किंग वुमेन की जो कॉन्फ्रेंस हुई कोपेनहेगन में, तो वहां पे दे प्रपोज्ड अ प्रपोजल कि देयर शुड बी अ सेलिब्रेशन इन एवरी ईयर इन एवरी कंट्री ऑन द सेम डे फॉर द ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ वुमेन डे टू रेज देयर डिमांड्स. तो इस तरीके से एक प्रपोजल प्रपोज हुआ. और उसके बाद उसके नेक्स्ट ईयर इन 1911 में कुछ कंट्री थी आफ्टर वन ईयर इन 1911 इंटरनेशनल वुमेन डे. अब ये इंटरनेशनल हो गया, पहले वो नेशनल था अक्रॉस द यूनाइटेड स्टेट, अब वो इंटरनेशनल वुमेन डे वॉज ऑनर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड एंड कोपेगन अलोंग विद डेनमार्क. तो ये इस तरह से 5-6 कंट्रीज में सेलिब्रेट हुआ, तो इसको उन्होंने इंटरनेशनल वुमेन डे दिया और वो ऑन 19th ऑफ मार्च था वो. उसके बाद क्या हुआ कि उस समय तो हमारे भारत में अपनी आजादी के लिए हम लोग फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे, तो वुमेन एम्पावरमेंट की बात ही बहुत दूर थी. यहाँ इंडिया तो अपनी फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़ रहा था. ये ऐसे ही 5-6 साल चलता रहा इनका, हर साल इंटरनेशनल वुमेन डे कुछ कंट्रीज में आपस में मनाना. फिर इसको जोर तब पकड़ा जब 1917 में जो रशियन रिवॉल्यूशन आया, उसमें क्या हुआ कि रशियन वुमेन बिगन अ स्ट्राइक फॉर द ब्रेड एंड पीस. उन्होंने जब एक स्ट्राइक आंदोलन किया मतलब अपनी कंट्री में रशिया में, वो दैट वाज द ऑन 23rd फैब था वो, उनके उस टाइम के जो रशियन जूलियन कैलेंडर था उसमें 23rd फैब था. और अगर वो अब का जो कैलेंडर देखते हैं वो 8th of March था. तो ये जो जब ये वहां पे रशियन रिवॉल्यूशन हुआ इसकी बहुत ज्यादा धूम हुई क्योंकि काफी लोग आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था उसमें मारे गए थे और इन लोगों ने इस तरह से स्ट्राइक किया था ब्रेड एंड पीस के लिए, तो बहुत चर्चा में आया. तो और भी कंट्रीज में मनता रहा और तब इतना गूगल और इतना डिजिटल मार्केटिंग ये सब मतलब डिजिटल नहीं था, मीडिया नहीं था, तो ज्यादा इतना पता नहीं था. उसके बाद क्या हुआ कि ये यूनाइटेड नेशन में इसकी चर्चा हुई और यूनाइटेड नेशन में जब चर्चा हुई तो इन 1975 इंटरनेशनल वुमेन वाज मार्च फॉर फर्स्ट टाइम बाय द यूनाइटेड नेशन. तो यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया कि हम इंटरनेशनल वुमेन डे ऑन 8 मार्च को सेलिब्रेट करेंगे. जैसे हमारे योगा इतने सालों से सदियों से चला आ रहा था, लेकिन जब यूनाइटेड नेशन ने उसको डिक्लेयर किया तब पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड मनने लगा. वैसे ही वुमेन डे जब डिक्लेयर हुआ तो ऑल ओवर ग्लोब में ये मनाने लगे. उसके बाद क्या हुआ कि चलता रहा ये भी सिलसिला.
फिर यूनाइटेड नेशन में अनाउंस किया इन 1996 यूनाइटेड नेशन अनाउंस देयर फर्स्ट थीम. उनको ऐसा लगा कि हम सेलिब्रेट तो कर रहे हैं मगर हम कुछ एक मुद्दे पे अगर चलते हैं लेके साल भर कुछ उनकी जो डिमांड जो एक टॉपिक थीम पे तो ज्यादा फ्रूटफुल होगा. तो तब उनकी फर्स्ट थीम थी यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो वुमेन्स डे पे दी गई वो थी सेलिब्रेटिंग द पास्ट एंड प्लानिंग द फ्यूचर. दैट वॉज द फर्स्ट थीम ऑफ द इंटरनेशनल वुमेन्स डे इन 1996. ऐसे ही आपने बहुत सारे थीम सुनी होंगी जेंडर इक्वालिटी डिस्क्रिमिनेशन वुमेन एम्पावरमेंट एंड सो ऑन. तो ऐसे थीम चलने लगी और द थीम फॉर द दिस ईयर 2024 इज किसी को पता है मैं बताऊं उसके पहले कोई मुझे बता सकता है तो बता सकता है. वेस्टर्न वुमन एक्सीलेंट प्रोग्रेस. यस आप तो बहुत ज्ञानी हैं उनको बोलने के लिए. तो आर्टिकल लिखा एडवांस में भी आर्टिकल. द थीम ऑफ दिस ईयर इज एस इन्वेस्ट इन वुमेन एंड एक्सीलरेट द प्रोग्रेस. तो ये जो थीम है दिस थीम अंडरस्कोर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग रिसोर्सेज सपोर्ट एंड अटेंशन टुवर्ड द वुमेन टू एक्सपेडाइट पॉजिटिव एडवांसमेंट इन वेरियस सोसाइटी. अब थीम भी बन गई. अभी आपको पता है कि इंटरनेशनल वुमेन डे की जो वेबसाइट है उन्होंने इस थीम के ऊपर भी कैंपेन थीम निकाली. तो कैंपेन थीम कैसी अभी इस बार की अब पता है कैंपेन थीम क्या है किसी को पता है. तो कैंपेन थीम निकले इस साल की है इंस्पायर इंक्लूजन. इंस्पायर इंक्लूजन तो उसका दैट एम्फसाइज़ेस द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव सोसाइटी वेयर वुमेन आर रिस्पेक्टेड वैल्यूड एंड एम्पावर्ड टू पार्टिसिपेट फुल्ली इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. मतलब उनका ऐसा था कि हम पूरे साल ऐसे वुमेन को फैसिलिटेट कर मतलब बढ़ावा उनका सरकार करेंगे या ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस का समावेशन करेंगे जो वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देती हैं और उनको आगे लाने में हेल्प कर रही हैं. तो उसका आपने एक सिंबल भी देखा होगा वेबसाइट पे ऐसा काफी चल रहा है इंस्पायर इंक्लूजन का. तो ये हमारा मतलब इस तरीके से ये पूरा हमने आपको इंटरनेशनल वुमेन डे की हिस्ट्री बताई किस तरीके से मनाया जाता था. और आज इतने हर क्षेत्र में जो वुमेन अपना हर फील्ड में अपना परचम लहरा रही है और इतने चैलेंजेस और इतनी सारी आपने देखा कहानी सुनी कहाँ कहाँ से क्या क्या. इसमें कई बार ऐसा भी हुआ कि लंदन में उनको अरेस्ट भी किया गया जब वो जा रहे थे स्पीच देने वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर. बहुत सारी स्ट्रगल और से निकल के आज वुमेन ने अपना एम्पावरमेंट अपना एक पहचान बनाई है. और मुझे ऐसा लगता है मैं जो अभी बोल रही हूँ कि अभी की जो जनरेशन है हम लोगों को जो बोला जाता था ना मल्टीटास्किंग. तो मल्टीटास्किंग इसलिए रहते थे कि हम लोग फैमिली और कैरियर को लेके चलते थे. और ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि आजकल की जो जनरेशन है वो ओनली कैरियर फोकस हो गई है. तो वो जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भाग रहे हैं रिस्क लेने से दूर भाग रहे हैं. तो इसलिए डिप्रेशन डिवोर्स और मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स बहुत हो रहे हैं. और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ दिनों बाद इंटरनेशनल वुमेन डे की थीम आएगी कि कैरियर विद फैमिली ऐसा वो फोकस होएंगे क्योंकि थोड़ा सा है डिसबैलेंस हो रहा है कहीं कहीं पे. तो और इसी वजह से हम लोग सब मतलब 8 मार्च को वुमेन्स डे सेलिब्रेट करते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड. और जो हमारे VIALEW है उसका तरीका अपना ये है सेलिब्रेट करने का क्योंकि हम एंटरप्रेन्योर्स को हमेशा प्रमोट करते हैं आगे बढ़ाते हैं. तो आज के दिन हम लोग उनके जो अचीवमेंट होते हैं जो बेस्ट एंटरप्रेन्योर्स होती हैं उनको सम्मानित करके उनको अवार्ड देके ही सेलिब्रेट करते हैं. और इसकी भी एक प्रोसेस रहता है कि हम एक महीने पहले से फॉर्म निकालते हैं गूगल फॉर्म रहते हैं उसमें वो पूरी एंट्रीज आती हैं फिर उसकी हमारी पूरी टीम बैठ के उसको स्क्रूटनी करती है. और उसके बाद उनके टेलीफोनिक इंटरव्यूज होते हैं उसमें भी शॉर्ट लिस्टिंग होती है. तो हम जाते हैं उनके हम यूनिट को विजिट करते हैं उसके बाद जाके इतनी मतलब ट्रांसपेरेंसी और इतने सिस्टमेटिक वे से ही जो अवार्ड दिया जाता है तो उसको किया जाता है. तो अब मैं जो बोल रही थी ना कि जब आपको अवार्ड मिले और कोई बोले यस आई एम प्राउड ऑफ यू मम्मा या आई एम प्राउड ऑफ यू माय डॉटर इन लॉ तो आपको अचीव करने का कुछ महत्व भी है. अदरवाइज आप सिर्फ कैरियर में जा रहे हो और गोल अचीव कर रहे हो और कोई आपको अप्रिशिएट करने वाला नहीं तो वो भी बेकार है.
तो बस मैं इतना शॉर्ट में आप लोगों को आज की हिस्ट्री बताई आप लोगों को, होप आप लोगों को पसंद आई होगी। और मैं बस ये, जैसे सबको पता है कि आखिरी में 4 लाइन अपने करियर वगैरह चाहती नहीं हूँ, तो मैं, और आप इस बार की रिपब्लिक परेड भी देखी होगी कि पूरी वुमेन फोकस थी रिपब्लिक परेड जो थी, तो वो 4 लाइन ऐसी है जो मैं खुद ही हमेशा बनाती हूँ कि प्यार है, संस्कार है, सहनशीलता के साथ साथ ममता भरा दुलार है, प्यार है, संस्कार है, सहनशीलता के साथ साथ ममता भरा दुलार है, हुंकार है, ललकार है, चंडी के साथ साथ तुझमें लक्ष्मी का भी अवतार है, लक्ष्मी का भी अवतार है, नमन है सभी को, नमन इस दिवस को, नमन है सभी को, नमन इस दिवस को, क्योंकि यह दिवस नहीं नारी शक्ति का त्योहार है, नारी शक्ति का त्योहार है। थैंक यू सो मच। थैंक यू वंदना फॉर योर इनसाइट ऑन वुमेन्स डे। वंदना जी आपकी 4 लाइन ने इस महिला दिन के कार्यक्रम को 4 चांद लगा दिए हैं। थैंक यू वंदना। Now, let's move to the award ceremony, and we all are very excited for it. So, like every year, this year also we got huge response. But before announcing the names of nominees, I would like to share the criteria for award selection. There are few criteria. So, the first criteria is participant should be a woman entrepreneur, and in case of partnership unit, her stake should be more than 50%. Then second criteria is business turnover should be in increasing order with a yearly growth rate of at least 20%. Third is preference will be given to the units with more than 50% female employees. And for social award category, the enterprise should provide benefits to the society. And for startup category, the concept should be innovative and unit should be less than 3 years old. So now let's take a look at the name of nominees in various categories. So first nominee is Jigyasa Kubre Chavalral, president of Atma Deepam Society. We are waiting for ADP. We have 12 nominees in various categories. So one by one, I will show the name of nominees. By the time our PPT starts, should I? Yeah. Okay. Next. So yes, our first nominee is Jigyasa Kobre Chavandhan, president of Atma Deepam Society, Nagpur. Then second is Mili Pandey Vikamshi, founder member of Alag Angle Community Art Center. Third is Deepa Chaure, ex-president of Kranti Jyoti Mahila Bachatgar. Then fourth one is Ms. Tejaswini Bandarkar, founder and director of Testing. Then next is Meena Lohi, proprietor of Aesthetic Creations. The next nominee is Ms. Devshi Poddar, a founder of Needles and Threads. Then next nominee is Dr. Smita Banso, center head of Baby's Wing Preschool. Then next is architect Abhilasha Sharma, principal architect of Sharma and Associates. Then the next nominee is Ms. Veeru Anand, owner of Veeru's Driving Classes. Then Ms. Lulua Katawala, CEO of Tricos. Then Ms. Sanjali Mahesh Chauhan, owner of Cakes and Creams, and Ms. Madhu Makhijani, proprietor of Shri Guru Masala. So these are the list of nominees. One by one, we would like to know more about the nominees. So this is the first nominee.
We also visited their unit. So this is Jigyasa's work. She works for social cause. This is second nominee's unit, is it? Unit. And VILU team also inspected her team, her unit. Then Ms. Deepa Chauri. Tejaswini Bandarkar, yes. One, yes. I think we should all clap for these nominees, yes. Because there were more than 14 entries in various categories that we received, and these 12 are the chosen ones ki jo sach mein eligible hai aur jo selection team ko bahut takleef hui hai एक विनर को हर कैटेगरी में एक विनर को ढूंढने के लिए. सो ऑल द लवली लेडीज जो जिन्होंने ये यहाँ तक पहुंचे हैं वो नॉमिनेशन तक. सो ग्रेट क्लैप फॉर ऑल ऑफ देम. सो लेट्स बिगिन द मोस्ट एंटिसिपेटेड पार्ट ऑफ टुडेस प्रोग्राम एंड नाउ इट्स टाइम टू अनाउंस द नेम ऑफ विनर्स. सो इन सोशल कैटेगरी द विनर इज winner is Ms. Jigyasa Kobre Chavanhal. I request our chief guest, Usha ma'am, Rashmi, to please do the honor. Yeah. She's in social category. I have already mentioned. In social category, the winner is Jigyasa Kobre, and she's president of Atma Gipo Society. Congratulations. Congratulations. आप दो शब्द बोलना चाहोगे? गुड आफ्टरनून एवरीबडी. रिस्पेक्टेड उषा मैम, रीत मैम, उज्ज्वला मैम एंड ऑल द डिग्निटीज प्रेजेंट हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल ऑफ यू. आई थैंक VILEW फॉर दिस ऑनर. आई ऑल्सो थैंक ऑल द जूरीज फॉर सिलेक्टिंग मी. I thank my family, all who supports me, and especially donors who believes in me and in my abilities and supports me. Just want to share something. In last, apart from Atma Deepam Society Nagpur, apart from this branch, Nagpur branch, last month we have started one center in Vardha, our digital literacy center. So we want to scale up all such centers in district places in Vidarbha. Some places we have infrastructure ready, some places we want infrastructure and running costs both. So I appeal all of you to support us for this cause. Thank you. Thank you, Jigyasa, and congratulations to you once again. And in startup category, the winner is Tejaswini Bhandarkar, founder and director of Testing. I request our guest of honor, the Sweet Ma'am and Yogita Deshnu, to please present the award to Tejaswini.
Tejasvini, do you want to say a few words? Yeah, first of all, thank you very much, and thank you very much for considering me because such kind of appreciations and recognition actually boost up the morale of the youngsters like us. I would love to tell you a brief journey of mine. I'm proud to say you ki I'm a first generation entrepreneur, and my proud mom is here with me, who is backbone. Actually, she is the backbone behind my success today. Now she is very, very happy clicking my pictures. So thank you so much, mom. Tastech is basically an IT branding and advertising company, right from website, software, mobile app, digital marketing, animation, graphics, A to Z we do, right? I have a team of 70 plus people, right from Ramdev Baba, YCC, Raisoni, I must say Ambedkar, Napur ka koi college nahi hoga jahan pe maine guest lecture nahi kiya hai within this span of 4 years. And I would love to thank my parents, my team, God, and all beautiful ladies who are supporting. Right, actually your support boosts morale of us for my success and continuous journey of that. And recently I have started my 3 more ventures. One is Tastech Internshala, because what I found out is ki many of the engineers and jo MBA graduates hote hain, after mein ye bahut struggle hai hiring ko related. So we train and we provide training placements as well, as many of my clients are like Infosys, Lighthouse, IT companies and corporate companies. So Tastech Internshala, Tastech events, Tastech shoots. So I aim to be a big brand like Google. So thank you so much for your support. So I can't even touch your name. Thank you so much. Congratulations once again. Yes. Since we have received a lot of entries from the service category, hence it was difficult to select. It's a great pleasure to announce winner in service category. She is Dr. Smita Bansole. She is the founder and trainer of Young Mind. She is the director of Center Head of Babies Wing Preschool. I think she is not here. Okay, 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 fine. Anyone can come? Since the Lady Entrepreneurs Ring is working for the upliftment of women entrepreneurs in Vidarbha, we had received a lot of entries from the entire Vidarbha. And woman entrepreneur from Chandrapur is selected as a winner in manufacturing category. She is another winner, Sanjali Mahesh Chauhan. Many, many congratulations, Sanjali. I request Sanjali Mahesh Chauhan to please come forward. I request Sarva Bhavi to kindly give the trophy. I request Sanjali to say a few words. Sanjali? Thank you, Sarva Bhavi. I request Sanjali to say a few words. Sanjali? Sanjali, congratulations. Yadevi Sarva Bhajali. Yadevi Sarva Bhuteshu Shakti Rupreya Namastha. Namastase, 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 namastase. यहाँ उपस्थित सर्व नारी शक्ति को नमन करती हूँ और विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सबको शुभकामनाएं देती हूँ। मैं चंद्रपुर एक छोटे शहर से हूँ। यहाँ पे मैंने अपना होम बेकर से बेकरी कैफे मेरा है। चंद्रपुर में 2 बेकरी कैफे मेरे तो यहाँ तक का सफर बहुत अप्स एंड डाउन्स के साथ मैंने पूरा किया है। मुझे लगता है सभी यही इससे गुजरे हुए है, तो सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन और VIAEW टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। एंड द नेक्स्ट कैटेगरी इज द बेस्ट लेडी एंटरप्रेन्योर अवार्ड। दिस अवार्ड रिकॉग्नाइजेस एन इंडिविजुअल हु हैज डन एक्सेलेंस इन हर वर्क, कंसिस्टेंटली डिलीवरिंग हाई क्वालिटी रिजल्ट्स। एंड द विनर इज, एनी गेसेस? Winner is Ms. Lunua Katawala, CEO of Tricos.
I request our Chief Guest, Guest of Honor, Rashmi Kulkarni, to please do the honor. Actually, it is a very big achievement to get Best Lady Entrepreneur Award at Women's Day. Say a few words on this occasion. Actually, this is very special day. Special day and special award. Yeah. This is the most. I wish every woman present here a very happy International Women's Day. मैम ने जैसे थीम बताया इंस्पायर इंक्लूजन था ये साल का थीम. हम सबको एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए एक दूसरे को इंक्लूडेड फील कराते हुए आगे बढ़ना चाहिए. मैंने अपने आई हैव बीन वर्किंग फॉर पास्ट 10 ईयर्स और मैंने यही देखा है कि एक फीमेल फीमेल को उतना सपोर्ट नहीं करती है. जेलसी वाली फीलिंग आ जाती है कहीं पे आगे बढ़ने की हम बात करें तो. जबकि मेल मेल बहुत सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को अगर कॉर्पोरेट लेवल्स हो या कोई भी जगह हो. तो अगर हम वो जेलसी वाली फीलिंग अगर अपने अंदर से जो नेचुरल फीलिंग है ऊपर वाले ने दी है हम सबको अगर हम निकाल सके अपने अंदर से और एक दूसरे को इंक्लूड फील करा सके इररिस्पेक्टिव ऑफ आवर एज कल्चर कास्ट कलर सो देन वी ऑल कैन ग्रो टुगेदर. लाइक मैम सेड आई My priority is my family. I have 2 kids, 1 daughter, and a son who is 2 months old. And business mera passion hai. So, main hamesha family aur mere business ko saath mein leke chalti hu. I dream for success. I never dream for success. I work for it. Thank you so much. So, congratulations to all the winners once again. And with this, our best wishes to all the participants for their efforts. And let's continue to celebrate excellence, inspire one another to make a difference. Now I invite today's guest of honor, Ms. Ree, to say a few words on this special occasion. Good evening, everyone. And happy Women's Day wishes to all the beautiful and strong pillars of the society. And even I thank the VI team for inviting me as a guest. And I'm really grateful and happy to be the part of this event. So, मैं ज़्यादा time तो आपका नहीं लूँगी, but कुछ pointers हैं जो मुझे share करने हैं जिस पे ऐसा लगता है कि awareness डालना चाहिए. सो फीमेल जो होती है उसके ऊपर सारा समय रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है फैमिली की बच्चों की एज अ डॉटर एज अ मदर. तो मुझे ऐसे लगता है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो डेफिनेटली अपनी फुलफिल कीजिए बट साथ ही साथ आपको अपने आप को टाइम देना बहुत जरूरी है. अगर आप सिर्फ करते ही रहेंगे बैलेंस नहीं कर पाएंगे तो फिर एक समय के बाद आप गिव अप कर देंगे. तो इसीलिए अपने ऊपर फोकस करना अपने सेल्फ ग्रोथ के ऊपर बिजनेस के ऊपर सम न्यू लर्निंग ये करना बहुत जरूरी है. आप ये बैलेंस रखेंगे तो डेफिनेटली आप डायनेमिक रिजल्ट्स देखेंगे. एक ये पॉइंट है. एंड द सेकेंड पॉइंट इज द सेल्फ लव. अपना जो सेल्फ लव होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टूल. आप उसको एक्सपीरियंस कीजिए चाहे आपको शॉपिंग में अच्छा लगता है कुछ न्यू लर्निंग में अच्छा लगता है चाहे फिजिकल फिटनेस में अच्छा लगता है. तो सेल्फ लव इज जस्ट लाइक अ थेरेपी. आप उसको एक्सपीरियंस कीजिए आपको ऐसे लगेगा यू आर कनेक्टेड टू योर सेल्फ. एंड आपका जो एक्सपेक्टेशन भी होता है जो फैमिली से जो आपको नहीं मिल पाता है बट वो सेल्फ लव के जरिए आप देखेंगे वो बैलेंस हो गया है. एंड अब हम वुमेन एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत हो गया वुमेन एम्पावरमेंट. अब हमें करना चाहिए मेन एम्पावरमेंट क्योंकि वुमेन्स को ही सिर्फ हम एम्पावर करेंगे तो फिर बैलेंस कैसे होगा. तो हमें एक्चुअली अपनी पेरेंटिंग में अपने बच्चों को ये सिखाना चाहिए हमारे बॉयज को कि किस तरीके से आपको वुमेन को रिस्पेक्ट करना है सपोर्ट करना है हेल्प करना है और साथ ही साथ कदम कदम पे उनको सपोर्ट करना है. तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि आज जो वुमेन्स फेस स्ट्रगल फेस कर रही है उसका जो स्ट्रगल है वो नेग्लिजिबल हो जाएगा एंड डेफिनेटली द वर्ल्ड विल बी अ बेटर प्लेस टू लिव इन. एंड लास्टली मैं कहना चाहूंगी वन ऑफ माई फेवरेट कोट is gratitude is one of the strongest key to success. With gratitude you can achieve everything and anything. Thank you. Thank you, Ms. Sweet, for sharing wonderful thoughts.
We honored to have Usha Singh ma'am here as our chief guest. I request ma'am kindly share your knowledge and experiences with us. All my dear friends and beautiful ladies here. Personally speaking, I myself, do not believe that there should be one day as International Women's Day. Each day has to be Women's Day as it is for men. So throughout the year, it has to be Women's Day, which we have to be conscious about. But when you look around the world, and when you look around the country, when you see that what is even in Saudi Arabia just 1 year back, when women got the license to drive, and that was a remarkable change. When you look at what is even in developed nations like USA states are struggling to get abortion rights for women. Then there is our nearby Afghanistan. What is happening to the women who go to study? What had happened to Malala in Pakistan, and so on and so forth. When you see what all is happening around the world, then you certainly understand. You said, that we are so grateful for what we have as in our country as of now, and how we have a voice to take this whole thing forward. At the same time, when you look at India's position, I don't know whether anyone would have noticed, a few years back, I think in 2018 end, Economist, one of the most major magazines, international magazines, had covered a cover story about the missing Indian women workforce. And it said that if India's women had come to the workforce, we will see a huge multiplication in the business activities, the GDP, the growth, what is there in the country. Rather, I remember that when our Honorable Prime Minister had delivered a lecture at Davos, and then after that, Christina Lagarde, the IMF chief then, was asked about it, and she said, I only miss one point, and that is why women wasn't discussed by the Honorable Prime Minister, because that is what is something which we all are looking forward to, and that is something which is missing in India. And actually, we are amongst the laggards, amongst the top, the bottom most in terms of women participation in workforce, just a few notches above, say, Saudi Arabia. This kind of position we have. And most heartening is that the government has certainly giving full focus to this subject. We are seeing right from in the parliament to everywhere else, there is utmost trust on women coming to the workforce. And every day we have data, like when you see the C-suite, we say, or the corner rooms in corporate world, not even 1% of the board positions are held by women. So the gap is there. It's a leaky pipeline. So women, when we pass out 10th or 12th, when we do, we are like 50% of our women are among the persons who are passing out. They are doing very well in academics, but because of, say, the biological conditions or the social conditions and the responsibility what the women have to take of the family. So when we look at, say, 5, 10 years, 20 years, and 30 years later, then the pipeline, the leakage in the pipeline is becoming more and more and more. So, but here, when I look at, I agree to come here and I must compliment VIA so much. I agreed to come here because, passing out an exam and taking up a job is, I think, easy. But becoming an industrialist, becoming an entrepreneur is very complicated. And hats off to all the ladies who are here. I mean, you are doing remarkable job of being the wealth creators, the value creators.
And when I must admit that, Neeram, when you shared all these tough conditions of that 20% growth and so on and so forth, I thought, you know, we will not be having more than 5 nominations here. But the kind of nominations in each sector you have brought in, manufacturing, in social, I mean, women in Vidarbha region, we are so proud of you all. So again, I would say that, you know, people say that women lack in networking capabilities. But when you are a businesswoman, we are seeing the young women also who are awarded here. Businesswoman means handling with unforeseen situations every day, dealing with stakeholders whom we would have never otherwise even talked to. So dealing with such ups and downs and uncertainties and complexities, so what you all are achieving is something which is considered orthodoxly, people would say that this is not one of the strengths of women, but you all are proving it wrong. So you all are the real role models in the society. So we must give a big round of applause for all the women who are working on that. So I'm so happy and delighted to be amidst you all. And congratulations to VIA for doing such a terrific job. And you know, the way the women come together, it's like a rainbow, rainbow of colors. So you know, we believe, like, you know, it's always, I, one of the lines which I have read and it really strikes me is like, you know, we all have to dress like a woman and think like a man and work like a donkey to be successful. So, you know, whenever we come with the, when women come together, it's all happiness around with the colors, with the vibrance we bring together. Yeah. It itself adds so much of color and vibrance in the environment. So that itself brings a smile on all our faces. And I'm very rightly one of the award winners, which you said is that it's very important that we understand each other well. Overcoming the basic instincts of the jealousy, I would say that it's not that men have it less, but you know, because we are less in number, everything gets multiplied so much more. So we so whatever we are all of you are achievers here. Let us all introspect and see that what all we can do to see women around us excelling any field what they are. Our field may be different, but we have to lend a supporting hand and certainly grooming our own family members, if we have sons, if we have son-in-laws or whatever. So our own, it will start from our own small set and it will go on and to make a beautiful society. So India has a bright future for sure, and that cannot be achieved without the 50%, the other 50%, the better half of this population rising, flourishing and contributing. So all the best to all of us and all the best to VIA. Thank you very much. Ma'am, you stand as a beacon of knowledge, brilliance, inspiration, and we are truly honored to have the opportunity to hear your enlightening words today. Thank you so much, ma'am. Now, friends, it's time to announce the quiz prizes. I request our chairperson Rashmi Kulkarni to announce the winners and say a few words about it. So though there was a quiz before you came, a small quiz with some general knowledge and entrepreneurship based questions. So it is the time to announce the winners of that quiz. And the first winner is Kirti Sirotia. Wow. I request Sarla Bhavi. Sarla Kamdar ma'am is a founder president of IDW. I request her to give the prize to Kirti ma'am. Congratulations. It was a Google form based quiz.
And looking at her age, she's so tech savvy, and she won because of the knowledge, and she won the quiz. Congratulations. Thank you. The second winner, we have given three winners there. Second is Madhu Makhijani. Yeah. I request Anjali Gupta ma'am to please hand over. Anjali Gupta ma'am is a past president. And the third winner is Tejaswini Bhandarkar. So one more prize for Tejaswini. Other than award. Thank you. I request Chidya Parati ma'am to give the prize. So congratulations all the winners. Please proceed. Thank you, Rashmi. And for formal vote of thanks, now I would like to invite Ms. Yogita Deshmukh, Secretary DILW. On behalf of DILW, I am so happy to extend formal vote of thanks to all the distinguished dignitaries present here and celebrating the International Women's Day program. I am indeed very thankful to Shri Manish Thakur sir for guiding us through the session on lean manufacturing process. This session of practical insights on the topic presented by Shri Manish Thakur shall definitely help to achieve the desired goal of many women entrepreneurs and act as a roadmap. Friends, we are very lucky to have two dynamic ladies, Mrs. Usha Singh, Director, HR Moil, and Mrs. Reet Sharma, winner of International Glam Icon 2023, to give away the Best Lady Entrepreneur Award to the winners in five categories. We thank both of them to have honored the winners and also for enlightening all by their words of wisdom. I sincerely my heartfelt thanks to project directors of this session, Mrs. Neelam Bovade, Mrs. Manisha Pavankar, and Mrs. Vandana Sharma for conducting this program in grand manner. I equally thank our entire LEW executive team and VI office staff who has always seen that every session is conducted aptly to achieve the desired goal. We are equally grateful to the press and media for their constant support and ever-encouraging coverage. Once again, I thank each one of you present here. Now I request all the dignitaries to proceed for high tea. And before that, I request all the winners for join for group photo. There is an announcement. There is a high tea for everyone present here today. कोई भी बिना नाश्ता किए नहीं जाएगा. High tea is arranged near the hall on the same floor. डाइनिंग हॉल जो है बाहर वहाँ पे सबके लिए है. दिस इज द सेलिब्रेशन ऑफ वुमेनहुड, सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे. तो कोई भी बिना नहीं जाएगा. सो प्लीज ज्वाइन अस एवरी मंथ एंड दैट इज अ गुड टाइम फॉर नेटवर्किंग ऑल्सो. फोटो चार बीच में सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट